ओके सर, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सीट फॉर्म, या कह सकते हैं सेम डेटा वन टू अनदर शीट। तो मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं, आप लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, राइट सर। जैसे कि मेरे पास दो शीट्स हैं, पहला शीट है हमारा फॉर्म और दूसरा शीट है हमारे पास डेटा। यहाँ डेटा में मैं यहां रखता हूं, मान लीजिए कि नेम, सिटी और यहाँ पे स्टेट, प्रोडक्ट और यहाँ पे देता हूँ मार्क। यही चीज मैं यहाँ एक फॉर्म के बेस में रखता हूँ, जैसे एक फॉर्म होता है ना, इस फॉर्म का मैं ऐसे ही बना रहा हूं, आप लोग डिजाइनिंग करके अच्छा से बनाइएगा। नेम, सिटी, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, और मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा, या फिर बटन मान लीजिए मैं ग्राफिकल बटन ही ले लेता हूँ, तो पिक्चर्स वगैरह होते हैं सैप्स, मान लीजिए सैप्स ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छा सा फॉर्मेटिंग ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं सबमिट। जैसे और इसको हम कर देते हैं मिडल में, तो बोल्ड। थोड़ा सही बात है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो इसमें का जो डेटा है वो डेटा यहां पे आ जाए। जैसे एग्जांपल मैंने फॉर्म भरा पूजा, मैंने फॉर्म भरा सिटी में दिल्ली, प्रोडक्ट मैंने मान लीजिए दे दिया डीवीडी और अमाउंट हमने दे दिया। अब मैं सेव पे क्लिक करूं तो ये डेटा यहाँ पे एक फॉर्म में सेव होना चाहिए। मैं और एक ये हमारा खाली हो जाना चाहिए, फिर दोबारा मैं सेंड करूं तो फिर अगली डेटा यहाँ नीचे एंट्री होनी चाहिए, जैसे मैं मनोज देना चाहता हूँ। तो समझ में आया आप लोग मैं करना क्या चाहता हूँ, अमित जी एंड संतोष जी? जी सर जी। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या। तो इसके लिए हम डेवलपर टैब पे जाते हैं, विजुअल बेसिक पे जाते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल्स करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं और यहाँ पे हम देते हैं जैसे कि सीट में जाना है मुझे एक के नीचे, तो हम जाते बोलते हैं कि भाई सीट, सीट बाद नाम ऐड करूंगा कि रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0। ये क्या करेगा अमित जी, ए आपका सीट डेटा शीट में जाएगा 65,000। अब मैं 65,000 की जगह पे 10,00,000 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जनरली 65,000 ही लेता हूँ क्योंकि मैं 2003 में काम करता था तब मुझे आदत बनी हुई। ठीक है, अब ए आपका यहाँ पे गया, अब डॉट एंड एक्सलेस अप ये क्या कर रहा है, डॉट एंड एक्सलेस अप, तो यहां से वो कंट्रोल प्रेस करेगा और अप एरो, आपका जो अप एरो है उसको क्लिक करेगा तो आपका डेटा सबसे लास्ट वाले डेटा पे चला जाएगा। फिर आपका ये जो ऑफसेट है, ऑफसेट क्या करेगा कि जहां पे एक्सेलस अप गया है वहां से जितना नंबर आपने दिया है उतना कर्सर नीचे या ऊपर या आगे या पीछे आए, तो ऊपर नीचे करने के लिए प्लस में रो दीजिएगा और आगे पीछे करने के लिए मतलब रो कॉलम चेंज करने के लिए आप यहां पे दीजिए।
और मैं बोलता हूं कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू होनी चाहिए बी थ्री, रेंज बी थ्री। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये तो रेंज हमने दे दिया, इसमें सीट का रेफरेंस दिया ही नहीं, तो हम इसके आगे सीट्स का नेम भी देना होगा। इसमें सीट का नेम भी दे सकते हैं लेकिन देना जरूरी नहीं, क्योंकि इस आर माइक्रो को परफॉर्म करवाना है एक बटन पे क्लिक करने के लिए, और बटन पे क्लिक करने के लिए उसको फॉर्म शीट पे जाना ही होगा। जब फॉर्म मेरा एक्टिवेट है ही तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म का ही बी थ्री लेगा। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये पूजा को उठाएगा और इस पूजा को यहां पर इंजरी कर देगा। अब मैं दूसरे लाइन के लिए क्या कर रहा हूं, देखिए दूसरे लाइन में मैं इसको जीरो कर देता हूं और कॉलन को वन कर देता हूं। ये क्या होगा कि अब ए 65,000 पे जाएगा और वहां से एक्सेल अप जब करेगा तो ए आएगा हमारी एंटर की गई नाम पे। अब मुझे इस पे नीचे नहीं लाना है, मुझे अब इसको आगे ले जाना, इसलिए हमने यहां पे कॉलन वन डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने बोला बी सिक्स। अब मैं बस इसी कोड को कॉपी करके पेस्ट करूंगा। बी सिक्स के बाद आ जाएगा B9 एंड B12। तो यहां हो जाएगा हमारा B9 और यहां हो जाएगा हमारा B12 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मतलब कि यहां पे नीचे से ऊपर जाएगा, यहां पे सिटी डालेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा एक एंड दो कॉलम में प्रोडक्ट डालेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा एक दो तीन तीसरे पे अमाउंट डालेगा। एक काम ही कर रहा है। उसके बाद इसमें जो डेटा है पहले से उसको खाली भी करना है, तो यहाँ पे हम रेंज और आपको जो रमेश जी बताया था ना मल्टी सेल सिलेक्शन, तो A1 नहीं, यहाँ पे देना होगा B3, B6, B9, B12.clearContents। मैसेज भी देना है MSG box, क्या देना है योर डेटा हैव सेव। ठीक है सर, मैं नाम यहां से पूजा जो लिखा हुआ उसको डिलीट कर देता हूं, फिर एंट्री किया, लेकिन इस पे क्लिक हुआ असाइन तो नहीं हुआ ना, तो इस पे राइट क्लिक करूंगा और असाइन मैक्रो पे जाऊंगा, मैक्रो को सिलेक्ट करूंगा यहां से एंड ओके। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, योर डेटा हैव सेव ओके, और यहां पे जाके देखिए दिल्ली पूजा विविधि आपका सेव। फिर यहाँ पे अगर मैं दूसरा नाम देता हूं कि ओम, मैं देता हूं यहाँ पे पुणे, सिटी में देता हूं यहाँ पे मान लीजिए सीडी और अमाउंट में 500, फिर क्लिक करता हूँ डेटा है सेव और डेटा हमारा सेव। अब जरूरी नहीं कि सीट हाइड हो, मैं इसको ऐड क्लिक करके हाइड कर देता हूँ। अब यहां पे देखिए इंदर नोएडा प्रोडक्ट में मान लीजिए हम देता हूं TF, अमाउंट भी यहां। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं सेव एंड ओके, तो आपका डेटा सेव हो गया, हाइड करके आप देख सकते हैं। अब यहां फॉर्म के इंटरफेस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जब आप एंटर प्रेस कर रहे हैं कर्सर ऐसे आ रहा है, इधर उधर चला जा रहा है,
तो मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करूंगा इसको इस तरह से, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेम, और इसमें हम अनलॉक्ड को हटा देते हैं, फिर हम फॉर्म सीट को लॉक करते हैं और यहां से सिलेक्ट लॉक सेल की सिलेक्शन त्रुटि हटा देते हैं। अब मेरा कर्सर एंटर मारने पे नहीं दूर में रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा, तो डेटा एंट्री करने में आसानी होगा। से उदय सिटी पे आ गया, जयपुर एंटर मारा, यहाँ पे प्रोडक्ट पे आ गया। अब यहाँ मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट में, मान लीजिए मैं डाल दिया सीआरटी अमाउंट में 3200 डाल दिया, एंटर, देखिए ऊपर चला गया। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा डेटा में सेव करो, तो अमित जी एंड जी इस कोड में क्या दिक्कत है जो आप नहीं समझ पाए हैं, बताइए मुझे, मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप एक फॉर्म बनाएं बड़ा सा, जो फॉर्म होता है जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, इंक्वायरी फॉर्म हो गया, फीडबैक फॉर्म हो गया, या ऑफिस में बहुत सारे फॉर्म होंगे आपके, उस फॉर्म को इस तरह की कोड अप्लाई करें और डेटा को एक जगह पे स्टोर करें, ठीक है। फिर हम आपके कंडीशंस और इसको अलग फाइल में, अभी सेम सीट में है ना, क्लिक कर किसी और फाइल में डेटा सेव हो, ये हम आपको बताएंगे। तो कुछ पूछ रहे हैं आप लोग कुछ? नहीं, एक्चुअली वो रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, कोई बात नहीं। वो एक चीज जो आपने किया ना, ये लॉक किया राइट क्लिक करके, मतलब वो मैं कुछ नहीं सर, क्या है होता क्या है बता तो मैं समझा देता हूँ, रिकॉर्डिंग का वेट क्यों करेंगे। हुआ क्या कि हमने जहां जहां हमें टाइप करना है उस सेल को कंट्रोल के साथ हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ से लॉक को अनचेक कर दिया, तो ये सारे सेल अनलॉक्ड हो गए, बाकी सेल हमारे लॉक्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट। पासवर्ड डालते समय यहाँ सिलेक्ट लॉक सेल का जो त्रुटि होता है उसको हटा दिया और हमने ओके कर दिया, तो मेरा कर्सर इन चार सेल के अलावा कहीं जाएगा ही नहीं, हमें टाइपिंग करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसकी ये फाइल मैं आपको भेज दूं या कोड भेज दूं? सी कोड ही दे दे, ठीक है, मैं कोड आपको भेज देता हूं, आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा जी, ठीक है। अमित जी, हाँ जी, तो ये आपका हो गया अमित को, अमित की आईडी कौन सी है? कोठारी से, कोठारी है। और संतोष जी आपकी? संतोष सूर, आइए, ये 42 वाला सर। अच्छा, हाँ ये, आपको मेल कर दिया, ठीक है। अब इस पे आप किससे प्रैक्टिस करें, और अमित जी कल उसी जो डिस्काइम डिस्कस हुई है उस पे हम बात करेंगे, कल क्लास लेंगे, ठीक है। सर, अभी अभी आपके पास समय है कि नहीं सर? तो जी फोन कर लीजिए, फोन में डिस्कस कर लीजिए। अच्छा अच्छा, नहीं, मैं चाह रहा था कि ये जो अभी आपने फॉर्म बनवाया बना के बताए हैं,